ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण से पहले 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर संभावित मंत्रियों को फोन पर चाय पर चर्चा के लिए बुलाया था। तो वहीं इस बैठक में पूर्व सीएम राजनाथ सिंह और बता दें कि शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और कुमार स्वामी शामिल हुए। आपको बता दें कि यह बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था। स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा पीएम हमेशा करते हैं कि अपने मंत्रिमंडल के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना होता है। हरियाणा से मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर शामिल हुए थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इतने एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, फॉर्मेलिटीज पूरी की है, बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। बताया जो आपको पता वो उतना ही मुझे पता है। तो सर ये चीज बताइए, किस तरह की तैयारी होगी, शपथ ग्रहण होगा, तमाम जानकारी विधायकों को बुलाया गया है, मंत्रियों को बुलाया गया है, इसकी जानकारी जो प्रबंध व्यवस्था में लोग लगे हैं उनको पता है। हमको जरूर 4 कार्ड मिले हैं कि उन 4 कार्डों पर हमारे परिवार के लोग, बाकी जो स्टाफ के लोग उसमें जा सकते हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।